हिंदू धर्म से है, जब तक जान रहेगा तब तक जय श्री राम की लड़ाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय राम वीर बजरंगी। श्री राम जय राम जय जय राम। बगल में अजीत पांडे जी, आपके बजरंग दल के जिला संयोजक है, बोकारो जिला के संयोजक, और मैं संजीव कुमार, विश्व हिंदू परिषद का बोकारो जिला का सहमंत्री। और इनको भी आप जानते हैं, हमारे बजरंग राकेश मोदक जी। सौर संचलन क्यों करते हैं, यह विषय हमारे अधिकारी आपके समक्ष रखेंगे। और 1992 में आप लोग इसे जानकारी होगा, 1992 में जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, जो कलंकित अपने हिंदू समाज पे जो थे ढांचा, उसको विध्वंस किया गया था अपने हिंदू समाज की ओर से। उसके विषय, उसके लिए हम लोग अपना शक्ति सौर दिखाते हैं अपने समाज में कि हमारे हिंदुत्व का ये शक्ति है। इसीलिए हम लोग व्यक्ति थे, गहन से विस्तृत रूप से जानकारी आपको मिलेगा। इससे पहले मैं चाहूँगा कि कुछ अधिकारियों को अंगवस्त्र से सम्मानित करेंगे यहाँ के प्रखंड के कार्यकर्तागण। राकेश जी, कुछ विषय रखे हमारे कार्यकर्ताओं को। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी कार्यक्रम अपना पूरे झारखंड में सौर पथ संचलन का चल रहा है, इसी निमित्त आपके प्रखंड में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम निमित्त सौर्य का जो हम लोग पथ संचलन करने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि अपने समाज के लोग गर्वान्वित महसूस करें कि हमने एक 1992 में पूरे हिंदू समाज के आह्वान और एक जुटता के कारण हमने एक भारत धरती पर कलंकित बाबरी नाम की एक मस्जिद को हम लोग ने विध्वंस किया था, और सारा श्रेय जो है हमारे आम हिंदू जन को जाता है। आम ऐसा विषय लेकर विश्व हिंदू परिषद आम लोगों में जाता है, ग्रामीण इलाकों में, सुदूर इलाकों में जाकर ऐसे संगठित होकर हिंदू समाज को जगाने का कार्य किया जाता है। और ऐसा हर साल गीता जयंती के अवसर पर हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। झंडा समय दीदी बाबू, ठीक है बोलो रे, बोलो जय जय सियाराम। निकल चुका है, ये देखिए रैली है। हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर राम लाला के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोले ना बोले जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोले ना बोले
माता की जय, भारत माता की जय।